फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज मालदा शुवार जिया सेठ के मल्ले के पास, यूसुफ सेठ की साइजिंग के गेट के पास जो घटना पेश आई, यहाँ एक बच्चा टूल लेने के लिए गया था। वो बच्चे ने जैसी टूल के लिए एक बच्चे को हेल्प के लिए बुलाया, वो दोनों बच्चों ने मिलकर टूल उठाए, वो टूल डायरेक्ट 11 कंडक्टर को टच हुआ और एक जगह पे बच्चा जो है ना, मतलब एक बच्चे ने लात मार के छुड़ाया, दूसरे बच्चे को एक साइड से मतलब अर्थिंग मिली पतरे की और बच्चा वही चिपक के रह गया। फिर ये बच्चे ने उसे लात उत मार के, डंडे से मार के छुड़ाया और बच्चे को हमने हॉस्पिटल में लेके आया, इमरजेंसी हॉस्पिटल में, एकरा हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया। सर मैंने तो कई बार कंप्लेन की, हमारे वार्ड के जो इंजीनियर रहते हैं जो वार्ड के, उनको मैंने कई बार कंप्लेन की, हर जगह उनको विजिट कराया, 2-3 साल पहले विजिट कराया। लेकिन सर ये जो कंपनी है, ये सिर्फ लोगों को डरा धमका के बिल वसूल कर रही है और काम जो इन्होंने GR था वो हिसाब से आज शहर में 10% भी उन्होंने काम नहीं किया। 3 साल उन्हें भी आया कंपनी को, कंपनी ने आज जो उन्होंने बोले थे कि हम नए कंडक्टर बदली कर देंगे, पोल बदली कर देंगे, सब ट्रांसफार्मर बदली कर देंगे, जो कि वो जूना का पुराना पूरा भंगार सिस्टम है इनका। यहाँ तक कि इनकी गाड़ी, इनके जो लोजमात रहते सामान, जो इनके कार्यकर, जो इनके कारकुन रहते, जो इनके पास काम करते, इनके भी कुछ भी न बीमा है और न इनकी कोई सब्सिडी है, न इनके कोई जान की परवाह। इनके पास ये सिर्फ वक्त निकाल रहे, पैसा कमा रहे और आवाम को धोखे में अंधेरे में रख रहे। इसमें शहर के जिम्मेदार भी शामिल है। कई लोगों ने, मेरा मानना है कि कई लोगों ने जो है ना, इनका पर्सन लेके खामोश बैठ गए, शहर को आग में जलता हुआ झोंक दिए। हर रोज कहीं ना कहीं मालेगांव शहर में इलेक्ट्रिक के हादसात होते। अभी पिछले दिनों रजापुरे में बिल्कुल ऐसे ही एक वाकया हुआ था, एक हाई टेंशन वायर टूट गया था, एक छोटा सा बच्चा खेलते हुए उस वायर की चपेट में आ गया, तो उसको भी हॉस्पिटलाइज किया गया था। तब जो है बिजली कंपनी के लोग आए थे और उन्होंने वहाँ आकर के पूरा जायजा लिया था। क्या आप लोगों ने अभी तक इसकी इत्तला बिजली कंपनी को दी है? क्या अभी तक कोई ऐसे कानूनी कार्रवाई आपने की है? मैं अभी जस्ट जाने वाला हूँ अदर पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन में, मैं कलकत्ता बिजली कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करूँगा और मैं यही मांग करूँगा आपके चैनल से कि अगर ये बिजली जिसने भी ठेका टेंडर लिया है, अगर वो पूरी तरीके से शहर में जो भी उनके मतलब GR रहता है उनके मुताबिक अगर काम करेंगे तो हमको ये बिजली मंजूर है, वरना ये बिजली चलेंगी नहीं। मैं मालेगांव शहर के आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों के घर के अगर जूने तार या जूने कंडक्टर हो या जो भी बिजली वसूली करने आए, मैं बोल रहा हूँ गारंटी से इनको चप्पल से मार के खा लो, क्योंकि जो भी कैटेगरी रहती है इनकी टेंडर लेते टाइम, वो उस पर कुछ भी काम नहीं कर रहे, 0-0। हम देख रहे हैं कि कई बार जो है हमारे जो सियासी लीडर हैं उन्होंने भी तहरीक छेड़ी, उन लोगों ने भी जो है कई बार इनको वार्निंग दी है। चाहे मैं बात करूं आसिफ शेख की, मैं चाहे बात करूं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की, चाहे मैं बात करूं मुस्तकिम डिग्निटी की, यानी इन लीडरान का भी कोई असर होता हुआ उन पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वजह है, क्यों इतनी बेखौफी इनके अंदर है और क्या मालेगांव के लोगों की जान को जान नहीं समझते, इनके नज़दीक मालेगांव वासियों की जान की कोई कीमत नहीं है? सर देखो, ये बात जो है ना, मालेगांव शहर की बिजली कंपनी के खिलाफ मेरा तो यही बोलना है कि तमाम सियासी पार्टी एक होकर उन्हें घर भेजना चाहिए, क्योंकि अगर इनके नहीं सुन रहे तो फिर किसकी सुनेंगे? लीडरों की नहीं सुन रहे, लीडरों के बोलने पे काम नहीं होता, लीडरों बोलने पे पोल बदली नहीं होते, कंडक्टर बदली नहीं होते, DP बदली नहीं होती। कई कई इलाकों में ऐसा मामला है कि तार जो है ना नीचे झूलते रहते हैं, पूरे शहर में 80% जो कंडक्टर है ना वो नीचे है और ना उसको कोई सपोर्ट है पोल की और ना कुछ है, या कुछ जो हादसा हुआ 20-30 फीट के ऊपर पे 11 KV का तार है। इसमें मैं समझता हूँ कुछ अपने लीडरों की भी है, शेख आसिफ साहब करते हैं जितना भी उनसे बनता है, लेकिन और लीडर एकदम होड़ लपेट के सो गए। अच्छा, हम देखते कई जगह पर ऐसा है कि ये बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, कई जगह ऐसा भी है कि ये जो है अलग अलग मुकदमात में जो है वो लोगों को फंसाने के लिए पुलिस स्टेशन जा कर के कंप्लेन करते हैं। इस तरह की धांधली कहाँ तक जायज़ है? ये तो मालेगांव की आवाम को पढ़ा लिखकर कायदे की मालूमत होने चाहिए
जिस तरीके से ये पुलिस प्रोडक्शन लेके बिल वसूली कर रहे हैं, इसी तरीके से पुलिस प्रोडक्शन लेकर इनके जो जीआर रहता है, जो टेंडर जो भरते वक्त जो तमाम शरायत होती है, वो शरायत पे काम इनको पुलिस में कंप्लेन करके करवाना चाहिए कि ये देखो फला फला अगर ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो ये शहर का जो जिम्मेदार है बिजली का जो भी कलकत्ता बिजली कंपनी उसके खिलाफ हम इन्हें एफ आई आर दर्ज करानी चाहिए, हर आवाम में जाके करानी चाहिए। जब भी लड नीचे है, तार नीचे है या पोल में करंट होता था, अभी दो महीना पहले की बात है, हमारे वार्ड के पावर पर्ने साहब, मैं उसको एक बच्चा बकरी का करंट लग गया, मर गया, दो चार दिन बाद उसमें फिर करंट आया, मैंने वो कंप्लेन करा, कोई सुना ही नहीं, बोला आप आगे बोलो जहाँ जाना चाहे चले जाओ, इस तरीके से बात करते पूछ। हम एक आम नागरिक है, हम बिल भरते, हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही और खाली टैक्स वसूली की जा रहा है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना मालेगांव शहर के जितने भी बिजली बोर्ड के अधिकारी है ज़्यादा इनका ही मतलब लापरवाही वैसे असरदार काम हो रहे हैं। अगर ईमानदारी से काम करेंगे, जो भी इनकी ड्यूटी है, जैसे कंडक्टर है, इनके खुद कर्मचारी बिगर ग्लोव्स के, बिगर मास्क के, बिगर सब्सिडी के, बिगर हेड के, बिगर उनको जो जो लजमात होने चाहिए पोल पे चढ़ने के लिए, वो कुछ नहीं रहता है इनके पास, कोई सुविधा नहीं है। इनकी गाड़ी में अगर आप चेक करेंगे ना तो आधा मटेरियल मिलेगा आधा नहीं मिलेगा, ना इनके पास कंडक्टर है, ना डीपी है, ना पोल है, ना कुछ है, ना क्या है, बस ये खाली आवाम को बेवकूफ पर रेड़ा बना रहे हैं। शहर से मैं तो यही अपील करूँगा आवाम से, मालिकों शहर के आवाम से, कि आप उजागर हो और आप इनके खिलाफ खड़े हो जाए। अच्छा, फिर अब अगला कदम आपका क्या है? अभी हम बिजली कंपनी बोर्ड जो है कलकत्ता कंपनी उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करेंगे, और वो जो वार्ड का है इंजीनियर उसके भी खिलाफ एफ आई आर दर्ज करेंगे कि ये लोग लापरवाही करते, हमेशा काम काज नहीं करते। मैं मदनी नगर से रहने वाला हूँ, मदनी नगर में 35 साल हो गए जो कि वही कंडक्टर है, टूट टूट के बार बार गिरते, एक बार मेरी बच्ची के आंख पे गिरा, मेरे पास सबूत है, एक बार एक ईसा भाई समोसा वाले उनके आंख पे गिरा, लेकिन वो आते वही तार को थूक लगाते चले आते। मैंने बाकायदा पावर पढ़ने साहिल सर और बहुत सारे लोगों को मैं उसके बारे में आगाह कर चुका हूँ, बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ, मेरे पास फोटो है, लेकिन ये लोग बस इधर सुन के आते उधर झूठा आश्वासन दे देते, बात खत्म। ना जाने क्यों ये काम नहीं करते, क्या वजह है कि जो मालेगांव की शहर की आवाम के साथ, इंसान की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये घटना हुई वहाँ, खुद जो 11 का पोल है वो खुद रोड क्रॉस करके सामने मतलब हुआ है, जबकि इलेक्ट्रिक के कायदे में रोड क्रॉस करके कंडक्टर या तार ले आने की परमिशन नहीं रहती है, वह बाकायदा ऐसे क्रॉस है और कम से कम 20-25 फीट के ऊपर ही ये 11 तार है, ये शहर है और ये काम है उनका, जबकि उन्होंने पूरे शहर के वायर को टाइट करना चाहिए, जितने भी एलेवन है हर जगह ऐसी मामला है। बीच में मालदा शिवार में जैतून नदी नाले पास भी ऐसी मामला था, और अभी एक एक्सीडेंट 4-5 साल पहले और वो था मस्जिद अबू हनीफा के पास, मैंने वो भी विजिट कराया था तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को, आड़े सर, फाटक सर, मेहता सर, जितने भी थे वो लोग को मैंने वो निशान दे गया था, एक वायरमैन बेचारा चिपक के मर गया था, आज भी वो कंडक्टर और वो पोल जो कि थी वैसी है, उनका कुछ डिस्टेंस बढ़ा ही नहीं गया। तो मेरे यही आवाम से और इनसे गुजारिश है बिजली बोर्ड वालों से कि ऐसे हालात को फौरन कंट्रोल करो, हमारे बच्चों की जान हमारी जान नहीं है और तुम्हारे बच्चों की जान है, तुम्हारी जान है, तुम खिलवाड़ कर रहे हो आवाम के साथ, लापरवाही मालेगांव शहर में इस करिए बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि इनका काम है, इनको कई बार ऐसे हादसा हो चुके, इनको समझता है, इन्होंने आगे उन्हें जवाब देना होना, उनके वरिष्ठ जो अधिकारी रहते जो उनके टेंडर वाले ठेकेदार जो कंपनी के मालिक रहते हैं उनको जवाब देने चाहिए कि मालेगांव की इतनी बैड कंडीशन है कि वहाँ पे 35-40 साल हो गए, वही जूने पोल, वही जूने कंडक्टर, वही जो जो हाल है, कोई तरक्की नहीं कुछ नहीं, और बाकायदा वसूली की जा रही है, जोरों में की जाती है पुलिस प्रशासन के साथ, और नहीं देने वाले को डराया धमकाया जाता है, केस किया जाता है। अब यहाँ से जा कहीं भी होगा मैं मालेगांव आवाम साहब को बोलता हूँ कि मुझे बुलाया, मैं इनके खिलाफ खड़े रखे केस करने के लिए तैयार है, इन्हें घर का रास्ता बताओ अगर काम सही नहीं करेंगे तो। जितनी भी मालूमात अभी तक मिली है कि हाई वोल्टेज उसको शॉक लगा है, इलेक्ट्रिक बर्न है, अभी तो सारे लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स शुरू किए गए हैं, अब आगे जैसे भी इम्प्रूवमेंट होता है या वो है तो आगे के काम आगे देखे जाएंगे। अभी अगले 24 से 72 घंटों तक का थोड़ा सा पेशेंट सीरियस है, पेशेंट इंट्यूबेटेड है, आगे के काम के लिए आगे हम लोग मजीद ट्रीटमेंट जारी है, इंशाल्लाह कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद है।